हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच टेक्निकल व्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं घातांक और कर्णिक के बारे में बताया हूं। इसमें इसकी दो वीडियो बनाया हूं। इस वीडियो में पहला घातांक से संबंधित और दूसरा वीडियो में कुछ एग्जांपल्स और विशेष क्वेश्चनों के साथ उपस्थित रहूँगा। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम घातांक के नियम, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं। जैसे इसमें पहला रूल्स ये है कि सबसे पहले हम बेस और एक्सपोनेंट को समझें। जैसे कोई भी नंबर, अगर सेम नंबर बार बार रिपीट करता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि ए अगर दो बार है तो ये ए टू टाइम्स हो जाता है, स्क्वायर बनता है। या एम अगर मान लीजिए कि एम बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर एम। तो इस प्रकार हम इसको हम लोग ए टू द पावर एम में इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ रूल्स के स्टडी करेंगे जिसके कारण हम लोग आगे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला एक्सपोनेंट का रूल होता है, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो वो ऐड हो जाता है, बी उसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, तो ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। एग्जांपल के थ्रू जैसे मान लीजिए कि टू टू द पावर फाइव और टू टू द पावर मान लीजिए कि सिक्स है, टू टू द पावर फाइव प्लस सिक्स इज इक्वल टू 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 द पावर इलेवन होता है। यदि दूसरा रूल है कि यदि बेस सेम हो लेकिन वो डिवाइड के फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ए टू द पावर एम माइनस एन के, मतलब नीचे से कोई भी ऊपर जाता है तो उसका पावर में घट जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर टू टू द पावर सिक्स है और टू टू द पावर फोर है तो इसको हम टू टू द पावर सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 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 द पावर टू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार उसके बाद टू टू बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में वो ध्यान देंगे। इसके बाद अगला नियम है पावर का पावर। जैसे ए टू द पावर एम है और उसका पावर एन है तो ये जो है पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि टू टू द पावर थ्री है और इसका पावर अगर टू है तो टू टू द पावर थ्री इंटू टू इज इक्वल टू 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 द पावर सिक्स होता है। ये ध्यान देने की बात है कि यदि अगर बेस जैसे ए टू द पावर एम इसका पावर एन है, इस टाइप के क्वेश्चन और यहाँ पे ब्रैकेट का प्रधानता को समझेंगे, ए टू द पावर एम और उसका पावर एन, ये दोनों प्रश्न में ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ब्रैकेट को समझना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, इसका होल का पावर है एन और यहाँ पे एन एम का ही पावर एन है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे टू टू द पावर थ्री है उसका पावर टू है और एक यहाँ पे टू टू द पावर थ्री और उसका पावर टू है, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग तो यहाँ पे हो जाएगा टू टू द पावर, यहाँ पे पहले पावर होगा तो यह हो जाएगा थ्री 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 जो नाइन और इसका हो जाएगा टू टू द पावर, यहाँ पावर का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री इंटू टू इज इक्वल टू थ्री टू टू द पावर सिक्स। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, इस बात पे ध्यान रखना है। इसके बाद
कभी कभी मल्टीपल पावर भी हो सकता है उसी प्रश्न उसी पावर टू पावर का रूल से। जैसे मान लीजिए कि ए टू द पावर मान टू टू द पावर थ्री है, इसका पावर टू है, और इसका पावर भी अगर थ्री है तो हम टू टू द पावर थ्री इंटू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू टू द पावर 18 लिख सकते हैं इसको। तो अगला रूल्स में अगर अगर कोई भी नंबर है बेस जिसका कुछ भी हो सकता है, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो 315 का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो 3/2 का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस बात पे ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगला रूल में जैसे ए और बी दो नंबर है, इसका पावर एक है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी दोनों का होल पावर एम है, तो इसको हम अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं, अलग अलग में अलग अलग इसको अलग अलग पावर दे देंगे दोनों को। अगर ए बी सी बी होता है, इसका पावर एम है, तो हम इसको ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम और सी टू द पावर एम लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि टू टू द पावर थ्री है, थ्री टू द पावर थ्री है, फोर टू द पावर थ्री है, तो इस कंडीशन में हमें टू थ्री देखिए सारे का ये एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको हम लोग एक सेम पावर में दे देंगे। तो टू थ्री जैसे 24 का पावर थ्री लिख देंगे इसको। तो इसका उल्टा भी सत्य है, जैसे मान लीजिए कि अगर बेस पावर सेम होता है जैसे मान लीजिए कि टू टू द पावर थ्री है, थ्री टू द पावर थ्री है, या ऐसे कह सकते हैं, एक मिनट गलत हो गया में, जैसे मान लीजिए कि टू 21 का पावर अगर हम थ्री मानते हैं इसको, तो इसको जब हम दो टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा टू 3/7, तो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 और 7 का पावर 3। इस प्रकार से क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे इसको। अगला रूल, अगर यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे बेस सेम है पावर भिन्न है, तो उस कंडीशन में हम इसको हटा देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे टू टू द पावर एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी टू टू द पावर 3 है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू 3 - 1, तो एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पावर सेम है भिन्न है, बेस सेम था, इसी के उल्टा एक और रूल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए का पावर एम है और बी का पावर एम है, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें और इसमें फर्क, यहाँ पे बेस भिन्न है पावर सेम है, तो यहाँ पे पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए टू ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस को या तो बराबर कर लीजिए या पावर को बराबर करके काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि 3 के पावर 5 है और यहाँ पे x का पावर 5 है, या 5+3 है, या 5+y है मान लीजिए, सॉरी ऐसे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बेस से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो x = 3/x या x = 3 भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार एक और इम्पोर्टेंट रूल्स है,
जैसे मान लीजिए कि कोई भी पावर अगर निगेटिव होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का पावर निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव हम 1/a^m से कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल में 2^-3, इसको प्लस करना चाहते हैं पावर को, तो यहाँ पे 1/2^3 करके अगर सिंपलीफाई करना है तो 1/2 2^4 2^8 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन में इसी एग्जाम्पल को, इसी टाइप के क्वेश्चंस को रूल्स को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a/b अगर दोनों का पावर यहाँ पे माइनस में, अगर भिन्न के फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में इसको हम सिर्फ इसको इन्वर्स कर देंगे, b/a और उसका पावर m लिख देंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई भी माइनस फॉर्म में पावर आता है, तो उसको हम लोग प्लस फॉर्म में बनाने के काम इसी दो रूल से करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, इसका पावर -3 है, तो इस माइनस को पहले जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक प्रोसेस हम कर नहीं पाएंगे, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर 3। अगर हम और नेक्स्ट आगे जाना चाहते हैं, तो 3 दोनों में दोनों का पावर 3/3 कर देंगे, और इसका अगर 2/3 कर देंगे, तो 27/8 सिंप्लीफाई के फॉर्म में, सिंप्लीफाई करने के समय में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इस पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो 9-10 और छोटे क्लासों में भी आते रहते हैं, ये सारे बच्चे हमारे 9th क्लास के और अन्य बच्चे जो किसी भी टेक्निकल या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स में से हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।